वृंदावन आतंकी बंदरों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से बंदर आतंक मुक्त वृंदावन अभियान नागरिक बैठक का आयोजन मंगलवार को गांधी मार्ग स्थित श्रीनाथ धाम में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने बंदरों के आतंक से मुक्ति पर अपनी अपनी राय रखी। इस अवसर पर वक्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि बंदरों के आतंक से मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है बंदरों की नसबंदी, क्योंकि बंदरों को पकड़कर कहीं भी छोड़ना उनके आतंक से छुटकारे का उपाय नहीं, बल्कि एक और शहर को आतंकी बंदरों से घेरना है। कहा कि अगर सरकार से आतंकी बंदरों की नसबंदी करने की मंजूरी मिल जाए तो न बंदरों की संख्या में इजाफा होगा और न ही पकड़े गए बंदरों को अन्य शहर में छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान अभय वशिष्ठ, आलोक दुबे, बिहारी लाल शर्मा, अशोक शास्त्री, हिमांशु गोस्वामी, पंडित उद्यान शर्मा, सीता अग्रवाल आदि के अलावा सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज बंदरों के आतंक से मुक्त वृंदावन को किस तरह से बनाया जाए, इस अभियान के अंतर्गत एक नागरिक बैठक यहां पर हो रही है। इसमें हम लोग विशेष करके इस चीज का ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी दशा में न तो बंदरों का उत्पीड़न हो, न उनको कोई तरह की दिक्कत हो, लेकिन जो एक छवि वृंदावन में ये बनती चली जा रही है कि वृंदावन में दर्शन करने गए और पर्स ले गए बंदर या चश्मा ले गए, उस तरह की जो छवि बनती जा रही है, तो उस बंदरों का जो आतंक है उससे किस तरह से मुक्ति दिला सकते हैं, चाहे वह एक इनका एक अलग से मंकी सफारी के रूप में या कोई अन्य प्रकल्पों के रूप में देख करके, ये आज चर्चा गोष्ठी है। उसके बाद में हम सब लोग सरकार से मिलेंगे, उनके प्रतिनिधियों से मिलेंगे, अपनी जनता के जनार्दन के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं, सांसद महोदया हैं, और हम किस तरह से इन बंदरों को कहां पर शिफ्ट कर सकते हैं या किस तरह से कर सकते हैं, उन्हीं की चर्चा आज हो रही है। और आज भारी सभा में इस काफी लोग यहां उपस्थित हुए हैं, गणमान्य जन भी हैं और मथुरा से भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो उस तरह की चर्चा में क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में तो हम बाद में ही जानकारी दे पाएंगे। अपने निर्णय को आप लोगों को फिर अवगत कराएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या निर्णय लिए, लेकिन अभी प्राथमिक ये एक बैठक है कि जिससे चर्चा करके और हम सरकार से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। जैसे कि बंदरों को पकड़े जाने की मुहिम चल रही है और गायों को पकड़े जाने चल रही है, कि वृंदावन में आज भी सुअर खुलेआम जो जानवर है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको लेकर के कोई मुहिम नहीं चल रही है। जहाँ तक है नागरिक जो बैठक होती है उसका अभिप्राय ही ये है कि नगर के लोग अपने नगर की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज या सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए। जहां तक सुअरों की समस्या है, अभी हम लोगों ने देखा है कि नगर निगम के द्वारा सुअरों को पकड़ने का अभियान भी चालू हो चुका है, तो जब सरकार कोई हम लोगों को सहयोग देती हो तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और सरकार के कार्य हमको सहयोग देना चाहिए। जहां तक नागरिकों की संकट की और कष्ट की बात है, उसमें सरकार हमारा सहयोग करेगी तो हम उसकी फिर प्रशंसा करेंगे और आगे चले। ये सतत प्रक्रिया है जीवन की, एक समस्या दूर होती है दूसरी आती है, एक समस्या होती है दूर तो दूसरी आती है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़कर के कार्य करेंगे और वृंदावन के स्वरूप की रक्षा करते हुए हम सब लोग एकजुट होकर के और आपस में परस्पर संवादों को विनिमय करते हुए कार्य करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा।